इस वीडियो में हम मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज के पांच सम देखेंगे और ऐसे पांच सम जिनमें दोनों तरफ मॉड्यूलस है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि मॉड्यूलस की कोई भी इनइक्वालिटी दे रखी हो या कोई भी इक्वालिटी दे रखी हो तो डेफिनेशन मेथड से कैसे करना आपको पता है, लेकिन ये एक टिपिकल टाइप होता है जब दोनों तरफ मॉड्यूलस होता है उसको हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जब दोनों तरफ मॉड्यूलस हो मतलब ये भी मॉड साइड हो और राइट साइड मॉड हो, दोनों तरफ कंप्लीटली मॉड्यूलस होना चाहिए। एलएचएस में भी पूरा मॉड्यूलस हो, आरएचएस में भी पूरा मॉड्यूलस हो। तो इस तरह की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं कि ये भी मॉड है, ये भी मॉड है, मतलब दोनों साइड्स नॉन नेगेटिव है। अगर दोनों साइड्स नॉन नेगेटिव है तो हम इजीली स्क्वायर कर सकते हैं और फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। आपको पता है दो नॉन नेगेटिव नंबर्स मेरे पास हो, जीरो या पॉजिटिव, अगर एक्स मोर देन वाई है तो एक्स स्क्वायर इज मोर देन वाई स्क्वायर, ये आपको पता है। अगर दोनों नेगेटिव होंगे और स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, और एक प्लस एक माइनस और फिर स्क्वायर करेंगे तो वी कैन नॉट से कि इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा या नहीं। ठीक है, ये सब बेसिक बातें आपको पता है स्क्वायर करने की। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और आपको ऑलरेडी मालूम है कि मॉड ए का स्क्वायर इज सिंपली रिटन एज ए स्क्वायर। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा और मॉड्यूलस हटा दूंगा, उससे मेरा काम काफी आसान हो जाएगा। तो देखो एलएचएस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस थर्टीन का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसको एलएचएस पे ले आइए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर यूज कर लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस थर्टीन का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। एक बार प्लस कर लेते हैं दोनों को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री और माइनस थर्टीन माइनस सिक्सटीन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री और थर्टीन प्लस टेन हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। यहां पे टू से डिवाइड कर लेते हैं और यहां टेन से डिवाइड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस फोर एक्स माइनस टू, तो एक्स प्लस फोर एक्स माइनस टू एंड माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। देखो कितनी आसानी से तीनों एक्सप्रेशंस मेरे पास लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब आपको पता है हेली का मेथड से कैसे करना है, ये जीरो हो जाएगा माइनस फोर पे, ये जीरो हो जाएगा टू पे और ये जीरो हो जाएगा वन पे। कोई भी पोल इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज सिर्फ ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। अगर मैंने थ्री ले लिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव माइनस थ्री प्लस वन, तो प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। मुझे पॉजिटिव चाहिए तो ये और ये रीजन हो गया, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस फोर यूनियन वन टू टू, ये आपका आंसर है। तो जब दोनों तरफ पूरी तरह से मॉड्यूलस दे रखा हो तो स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर यूज करके बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं आंसर को। ये पहला सम हुआ, इस वीडियो में आपके सामने पांच सम करूंगा, देखिए आपको चीज समझ में आएगी। प्लीज पॉज एंड कॉपी। देखिए द नेक्स्ट वन मेरे पास है मॉड ऑफ टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन टू, ये मैं आपके लिए सेकेंड सम कर रहा हूं। हमको एक बात तो क्लियर समझ में आ रही है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो मुझे ये मालूम चल चुका है कि सॉल्यूशन में एक्स नॉट वन आना चाहिए, एक्स की वैल्यू वन सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं हो सकती, ये मैं जान चुका हूं। अब अगर एक्स वन नहीं है तो ये मॉड्यूलस है, इसको वहां ले जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है मॉड्यूलस पॉजिटिव रहेगा अगर एक्स वन नहीं है तो, बिकॉज मुझे पता है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसको मैं वहां ले जाऊंगा, तो मेरे पास हो जाएगा टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 2x minus 2, 2 into x minus 1. Now square both the sides. 2x minus 1 का square greater than 2x minus 2 का square. LHS पे ले आइए. 2x minus 1 का square, 2x minus 2 का square greater than 0. And then you can proceed.
इसको प्लस कर लीजिए, 2x प्लस 2x 4x माइनस 3, 2x 2x कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 2 1 ग्रेटर देन 0, तो 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x बिकम्स मोर देन 3/4, लेकिन 1 नहीं आना चाहिए, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3/4 से इंफिनिटी माइनस एलिमेंट 1, माइनस 1 करना ना भूलें इस सब में, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इस तरह से आपको सोल्यूशन है बड़ी जल्दी से, क्योंकि दोनों तरफ कंप्लीटली मॉड था। देखिए थर्ड सम देखिए, एंड टू रेस्पेक्ट्स 2 upon x minus 2, 2 upon modulus of x minus 2, 3 upon modulus of 2x minus 1। तो एक बात क्लियर है, x cannot be 2, x cannot be half, because denominators can never be 0। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और स्क्वायर कर लीजिए, तो 4 into 2, चलो पहले मैं लिखता हूं 2 into this, 2 into mod 2x minus 1 greater than 3 into mod of x minus 2। Now square, 4x minus 2 का square 3 अंदर ले जाइए, 3x minus 6 का square, तो 4x minus 2 का square minus 3x minus 6 का square greater than 0, and then a plus b a minus b करके आप इसको आगे proceed कर सकते हैं। Remember x को 2 और आप include मत करिएगा solution में, ठीक है, rest I think you can proceed कैसे करना है। चलिए फोर्थ सम देखते हैं। देखो देखिए फोर्थ सम में मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, a प्लस b a माइनस b, x माइनस 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 3, x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 0। लेट मी टेक अनदर पेन। तो ये जो चीज है देखिए, ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर x प्लस 3 x माइनस 2, x प्लस 3 x माइनस 2, इधर से x कॉमन ले लिया माइनस एक्स प्लस 1, सारे लीनियर फैक्टर्स आ गए। लेट अस प्लॉट देन माइनस 3 2 0 और 1, तो यहां 1 कर देता हूं, यहां 2 कर देता हूं। आपको नंबर 3 ले लिया राइट साइड पे, तो 3 रखेंगे तो पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी पोल इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ हमको दिया हुआ है ग्रेटर देन 0। मुझे चाहिए पॉजिटिव, मतलब ये रीजन और ये रीजन, तो मेरा x जो है दैट बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 0 यूनियन 1 से 2, ये मेरा आंसर है, ठीक है, इस तरह से बात है। चलिए तो इस तरह जब दोनों तरफ मॉडुलस दे रखे हो बेटा, तो आप लोग इसको कितनी आसानी से स्क्वायर करके आप देख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स करके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करके आप इसको कर सकते हैं। देखिए लास्ट वन इस वीडियो के लिए, फिफ्थ क्वेश्चन मुझे दिया है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1। अब मुझे पता है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं पहले लिख लूंगा दिस कैनॉट बी 0, तो x cannot be plus minus 2, ये पहले हमने लिख लिया, जो भी सोल्यूशन आएगा उसमें से 2 minus 2 हमको माइनस करना है। अब इसको इधर ले जाइए एंड देन स्क्वायर, तो x square
माइनस फाइव एक्स प्लस फोर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हुआ माइनस फाइव एक्स फोर माइनस फोर गया, सबट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस फाइव एक्स बचेगा और प्लस एट बचेगा लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से x कॉमन 2x माइनस फाइव, ये माइनस फाइव एक्स प्लस एट, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। पोस ले लेते हैं, ये जीरो आ जाएगा, ये फाइव बाय टू और ये एट अपॉन फाइव, एट अपॉन फाइव मीन सिक्सटीन अपॉन टेन 1.6, तो एट अपॉन फाइव यहां पर आएगा 1.6 और फाइव बाय टू 2.5 यहां पर आएगा। पोल्स को हमें करेक्ट ऑर्डर में प्लॉट करना है, लेस देन इक्वल टू जीरो है मतलब सारे पोल्स इंक्लूड हो जाएंगे ऐसा मान लेंगे, लेकिन हमें समझना है कि 2 और माइनस 2 इंक्लूड नहीं करना है, 2 यहां पर आएगा बीच में और माइनस 2 इस साइड आएगा, एनीवे लेस देन जीरो चाहिए। 2.3 रख लिया नंबर को, तो 3 पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मुझे नेगेटिव चाहिए मतलब ये रीजन और ये रीजन, ये बात हो गई नेगेटिव के लिए। तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 0 टू 8 बाय 5, 8 बाय 5 इंक्लूडेड, यूनियन 5 बाय 2 से इंफिनिटी, और इन दोनों रीजन में 2 माइनस 2 नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास ये 2.5 है तो 2 यहां पर आएगा, हमने ये वाला रीजन लिया और माइनस टू यहां पर आएगा तो माइनस टू और टू इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से बच्चों मैंने आपको पांच अलग अलग प्रैक्टिस हम करके दिखाए जिसमें दोनों तरफ मॉड्यूलस था, तो किस तरह से स्क्वायर करके जल्दी से हम आंसर निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डेफिनेशन मेथड क्योंकि वो बहुत लंबा पड़ता है। तो आपकी प्रैक्टिस से आप जल्दी से जाइए एडवांस में देख करके कैसे सम को करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, अपने दोस्तों को बताएं, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें चैनल को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।